26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद जो चीज़ें आगे कैसे प्रोसीड हो रही हैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ मैं कि वो किस तरफ ले जा रही हैं और क्या क्या नई चीज़ें सामने आ रही हैं। सिमरनजीत जी हैं कोई, वो कहते हैं, इनका पहले आपको मैं अकाउंट दिखा देता हूँ, साफ साफ लिखा हुआ अनऑफिशियल अकाउंट ऑफ शिरोमणि अकाली दल। तो ऐसा कहना है इनका, क्या कहना है आप ये एक बार देख लीजिए। सिक्स डू नॉट रिकॉग्नाइज इंडियन ट्राइकलर दैट डजेंट रिप्रेजेंट सिक्स। ये मन में उनके भावना है, इनका ये कहना है कि इनके मन में भावना है कि सिखों को ट्राइकलर में जगह नहीं दी गई, उनके रंग को जगह नहीं दी गई, जबकि रंग केसरिया ही है उनका। नीदर वी एक्सेप्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कॉल अस अ पार्ट ऑफ हिंदूज, सिक्स आर सेपरेट एंड सॉवरन रिलीजन, सेज सिमरनजीत एक्स एमपी बॉयकॉट सो कॉल्ड रिपब्लिक और जॉइन ट्रैक्टर परेड। तो मतलब इसी चीज़ ने उकसाया था एक तरीके से, यही मानसिकता भरी गई होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही मानसिकता भरी गई होगी कि झंडे को आप रिस्पेक्ट मत करो क्योंकि झंडे में आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अलग से रंग दे के आपको रिस्पेक्ट दे के आपको वहाँ पे जगह नहीं दी गई है, पहली चीज़। जबकि हिंदुओं का भी और सिखों का भी रंग केसरिया ही है, केसरी ही है, भगवा ही है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि नहीं दी गई। पूरी वीडियो में उन्होंने खुद कहा भी है, आप चाहें तो ये जो ट्विटर हैंडल है आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके खुद ये वीडियो अभी भी है वहाँ, और आप देख सकते हैं 40,047,000 व्यूज़ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग मोटिवेट। और ये वीडियो है भी 26 जनवरी 1 बजे यानी AM भोर में 1 बजे की है ना, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास काफ़ी रीज़न था इस तरीके से मोटिवेट होने के लिए। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट होना चाहते हैं, झंडे के अगेंस्ट होना चाहते हैं, और मतलब ये कौन सी मानसिकता है जो इस तरीके से इनको भड़का रही है कि आप उन्हीं हिंदुओं के खिलाफ हो जाइए जिन हिंदुओं से आप निकले हैं। माना बहुत लोगों को अपना एक सोवरेन होने की बहुत चुल रहती है, बहुत मतलब एक अंदर से कीड़ा काटता है कि हम जो हैं उसको हम बिल्कुल अलग करेंगे, सबसे अलग होकर रहना है, हमको इंडिपेंडेंट रहना है, हर जगह इंडिपेंडेंट कहलाना है, हमारा एक अपना अस्तित्व है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे और हमारा जो कनेक्शन है एक दूसरे के साथ उसको तोड़ने की कोशिश क्यों ही करी जा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कोशिश अच्छी नहीं है। लेकिन खैर मैं ये नहीं कहता कि पूरी सिख कम्युनिटी ऐसा कर रही है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका विरोध पूरी सिख कम्युनिटी को, जो ऐसा नहीं सोचते उनको करना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सिख भाई बहनों से कि आप खड़े होइए, सामने आइए, इनके तथ्यों को अपने तथ्यों के साथ काउंटर करिए। अगर वो भारत के झंडे के हिंदुओं के अगेंस्ट में खड़े होते हैं तो आप पक्ष में खड़े हो जाइए, तभी असली बैटल नजर आएगी और गलत के सामने सही को रखा जा सकता है, सही सिखिज्म को, सही खालसा पंथ को। वरना ये लोग आपकी ही छवि ख़राब कर रहे हैं और आप में और हिंदुओं में मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो झंडे वाली बात थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हर अगला संप्रदाय उठ के आके कहता जाए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा झंडे को लेके जो खड़े बैठे हैं कि ये हिंदुओं का है, ये बुद्धों का है, ये मुसलमानों का है, सिखों का कहाँ है, लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं समझी कि मतलब एक तरीके से इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुओं में ही बहुत सबको, मतलब जैन बुद्ध सिख पारसी, मतलब बहुतों को हिंदुओं में ही जोड़ दिया जाता है। इस बात को एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी देखना चाहिए बजाय इसके कि एज अ सिंबल ऑफ डिफरेंस देखना चाहिए। खैर अपना अपना पर्सपेक्टिव भी जरूरी है, नज़र से कुछ नहीं होता, नज़रिया होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक तरीके की नाकाम प्लानिंग है सिखों को हिंदुओं से अलग करने की, हिंदू और सिख में लड़ाई लगवाने की, मतभेद पैदा करने की, कि किसी तरीके से एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया जो इनकी पॉलिटिक्स है वो कामयाब हो जाए। अब ये उन सिखों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इनसे भिन्न डिफरेंट राय रखते हैं, थॉट प्रोसेस रखते हैं, इनसे सहमति नहीं रखते हैं, उनको सामने आना पड़ेगा। अगर वो सामने नहीं आए तो इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको कोई भी काउंटर कर ले वो गलत साबित हो जाएगा, लेकिन आप करेंगे तो जायज़ लगेगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मैं चाहता था कि इस बारे में मैं जो मेजर सिख कम्युनिटी है ग्लोबल उसके सामने मैं ये बात रखूं। अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही, फीलिंग समझ में आ रही कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा मैसेज अगर आप तक कन्वे हो जा रहा, तो प्लीज़ इसके विरोध में खड़े हुई है, इनको अपने तर्कों से जवाब दीजिए। हमारी और आपकी जो यूनिटी है उसको ऐसे लोग जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। हम जिस हद तक देना चाहें दे सकते हैं, हम देंगे भी और हम दे भी रहे हैं, लेकिन जब तक आप सामने से खड़े होकर एक लार्ज नंबर में नहीं आएंगे और नहीं विरोध करेंगे, तो ये मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे होगा कि किसी ना किसी हद तक एक लार्ज नंबर ऑफ सिख कम्युनिटी एग्री करती है इन लोगों की बातों से, इन देश विरोधियों की बातों से, इन देश द्रोहियों की बातों से।
अगर आप एग्री करते हैं इनकी बातों से तो भैया घर में बैठे रहिए, मौन रहिए। और अगर आप एग्री नहीं करते हैं, आप यूनिटी बरकरार रखना चाहते हैं, कोई मतभेद मनभेद नहीं चाहते, भारत के पक्ष में है, तो सामने आपको आना पड़ेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत बुला रहा है, रक्त रक्त को आवाज दे रहा है, उठो, हमारे पास अब गंवाने के लिए समय नहीं है।